हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पे श्री। आज हम आइज़ ड्रॉ करने वाले हैं। आइज़ कैसे ड्रॉ करते हैं, साथ में कैसा शेड करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आईबॉल होता है वो जनरली गोल होता है। उस गोल आईबॉल के ऊपर हमारे आई लैशेज, हमारा जो आई लैप होता है वो उसके ऊपर होता है। जनरली हम पहले एक सर्कल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें आइज़ का प्रॉपर प्रोपोर्शन मिल सके, प्रॉपर शेप मिल सके। आईब्रो मार्क करने के लिए, आईज मार्क करने के लिए ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सेम तरीके से एक पतली सी लाइन बनाऊंगा, एक मार्किंग जिसमें मेरा आईबॉल का शेप रहेगा एक सर्कल। उसके ऊपर मैं हल्के हाथों से पहले आईज का शेप बनाऊंगा, आई लैप्स का शेप बनाऊंगा, आई लेट्स का शेप बनाऊंगा, जहाँ पे मैं पहले डिसाइड करूंगा कि मेरा आई बॉल कैसा, मेरा आईज कैसा दिखेगा, कैसा शेप होगा, कहाँ से लाइट आ रहा है, कहाँ से शेड आ रहा है। ये सारी चीज़ें मैं डिफाइन करूँगा, अपना पहले प्लान करूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा शेडिंग। मैं हल्के हाथों से धीरे धीरे, एक बार मेरा शेप बन जाता है फिर मैं हल्के हाथों से धीरे धीरे उसमें शेड करना चालू करूँगा। धीरे, ये बहुत रफ़ होगा, यहाँ पे कुछ भी मैं स्मूथ करने की कोशिश नहीं करूँगा। बस मैं फिल करूँगा जहाँ जहाँ पे मुझे शेडोज़ चाहिए। आईलेट, ऊपर वाले आईलेट के नीचे बहुत ज़्यादा शेडो रहता है। हम जनरली इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जो कि बिगनर्स एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि आप भूल जाते हो कि हमारा जो आई लीड होता है, ऊपर वाला आई लीड होता है, उसके नीचे उसका शेडो आता है, जिसकी वजह से जो आई बॉल होता है उसके ऊपर वहाँ पे शेडोज दिखने चाहिए, वरना वो डेप्थ जो आपको चाहिए आईज में वो आपको नहीं मिलेगी। उस तरीके से हम शेड करते हुए ऊपर अपना आईब्रो का शेप डिसाइड करेंगे कि आईब्रो कहाँ होगा। शेड करते करते आप यूज़ कर सकते हैं ईयरबड्स का। जब आप एक मिनिमम शेड कर चुके हैं, मिड टोन मार चुके हैं, तो आप पहले सारी चीज़ों को स्मूथ कर लें, क्योंकि स्मूथ करने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ कहाँ पर लाइट और डार्क शेड्स करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि आपको यहाँ पे मिड टोन सेट करना है, आपको डिसाइड करना है कि चीज़ें कितनी डार्क होने वाली है, क्योंकि मिड टोन डिसाइड करता है कि आपकी चीज़ें कितनी ब्राइट है या डार्क है। हम पहले हर जगह पे ईयरबड्स के साथ स्मूथ करेंगे, सारी लाइंस को स्मूथ करेंगे, सारे शेड्स को स्मूथ करेंगे। ये इतना भी हार्ड नहीं है, अभी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लाइंस मिक्स हो रहे हैं या फिर आपस में मर्ज हो रहे हैं, आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको अपना बेसिक शेप नहीं खोना है और बाकी आपको सारी चीज़ों को स्मूथ कर देना है। इस प्रोसेस में आप आराम से टाइम लें। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर डाला तो ईयरबड्स वहाँ पे एक मार्क भी छोड़ सकता है जो इरेजिबल नहीं होगा, तो आप कोशिश करें कि आप हल्के हाथों से पूरे आइज़ को कवर करें। जब हमारा स्मूदिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो हम वापस से पेंसिल की तरफ आते हैं, हम पेंसिल से वापस से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ये मार्किंग हम इस बार हम प्रोमिनेंट करेंगे। हमारा बेसिक शेप ऑलरेडी आइज़ का रेडी है, कहाँ पे आई बॉल होना चाहिए, कहाँ पे आईलेट्स होने चाहिए, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कहाँ पे शाइन होना चाहिए।
अब हमें सिर्फ सारी चीज़ों को प्रोमिनेंट करना है, डार्क करना है, क्योंकि अब हमें पता है लाइट कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही, मिड टोन हमारे पास है। तो अब मैं धीरे धीरे कॉर्निया से शुरू करते हुए धीरे धीरे आई बॉल को डार्क करना स्टार्ट करूँगा। आप स्टार्टिंग के लिए रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आई बॉल कैसा दिखता है। आईबॉल का भी आप नोटिस करेंगे, आईबॉल के ऊपर भी आपको एक शेप मिलेगा, आपको आईबॉल के ऊपर भी एक शेडो की लेयर मिलेगी जो कि आईलिड्स की होती है। वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, लोग भूल जाते हैं जनरली, जिसकी वजह से उनका ड्राइंग बहुत फ्लैट लगता है। अगर आपको ये करना है तो आपको ध्यान से आईलेट के सारे शेडोज़ आपको वहाँ पर उतारने हैं। आईबॉल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइंस रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें रहती है जो हम जनरली अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हम इंडियन हैं, हमारी आइज़ जनरली ब्लैक होती है, बट अगर आप बाहर देखोगे तो जिनकी आइज़ थोड़ी लाइट कलर में होती है, वहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि उनकी आँखों में बहुत सारा पैटर्न रहता है। ये पैटर्न आप ड्रॉ करना चाहो, नहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी आइज़ कितनी बड़ी है। अगर आप आइज़ को डिटेल में बनाना चाहते हो तो आप उस डिटेल को ऐड कर सकते हो। जब हम रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं तो जनरली हम सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, बट अगर आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हो जिसके अंदर आइज़ इतनी बड़ी नहीं होती तो आपको वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जनरली इतने दूर से दिखती नहीं है। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा डिटेल ऐड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आप देख सकें कि वो कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर शेडिंग कैसी होती है। मैं एकदम हार्श डिटेल, मैं एकदम हार्ड प्रॉपर डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक रियलिस्टिक आई बना नहीं रहा हूँ। ये आई एक सिंपल बिगिनर ट्यूटोरियल है, यहाँ पे सिंपली मैं शेडिंग और आईज के प्रोपोर्शंस बता रहा हूँ। धीरे धीरे शेड करते हुए हम पूरा डिटेल आईबॉल के ऊपर फोकस करेंगे। आईबॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में आपका पूरा का पूरा इमोशन रहता है, बाकी जो शेप है वो प्रोपोर्शन के लिए है। अगर आप आईज के आईबॉल को सही बनाते हैं तो आपका जो इमोशन है, समझ लो अगर आप कोई इमोशन डालना चाहते हो अपने फेस में तो वो बहुत प्रॉपर दिख के आएगा। आईबॉल कंप्लीट हो जाने के बाद मैं वापस से अपने आईलेट के ऊपर ध्यान दूंगा। आईलेट हमें प्रॉपरली मर्ज करना पड़ेगा बाकी चीज़ों के साथ। अभी हमने सिर्फ एक हल्की सी लाइन मारी थी जहाँ पे हमें पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट अब हमें रेफरेंस को देखते हुए या फिर अगर आपको पता है कैसे करना है तो वो देखते हुए समझते हुए हमें आईलाइट को प्रोमिनेंटली डार्क करना है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा शेडो है कि वो पूरी चीज़ डार्क हो जाएगी। नीचे वाले आईलाइट्स के लिए भी हम बहुत आराम से शेड करेंगे। शेड करना ज़रूरी है क्योंकि आप नीचे वाले आईलाइट्स पे भी बहुत शेडो रहता है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से फोल्ड किए हुए रहते हैं। हम धीरे धीरे शेड करेंगे और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैं आईबॉल के ऊपर भी जो वाइट एरिया होता है हमारे आईबॉल का, वहाँ पे भी शेड कर रहा हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि जनरली हम अपने आईबॉल को पूरा वाइट कभी नहीं देख सकते। जनरली भी अगर आप आईज नोटिस करोगे तो वो थोड़ा येलोइश या रेडिश रहता है, और अगर हम शेड भी करना स्टार्ट करते हैं तो उसको थोड़ा हमें शेड करना पड़ता है। प्रॉपर वाइट आप उसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमेशा शेड्स के ऊपर रहता है, ऊपर वाला आईलिड, नीचे वाला आईलिड, ये सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती है, तो वो प्रॉपर वाइट कभी नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे वहाँ वहाँ पे आप ईयरबड्स का यूज़ करें, ईयरबड्स से आप स्मूथ करते जाएं चीज़ों को, और पेंसिल से आप प्रोमिनेंट चीज़ें डार्क करते जाएं, शेडोज़ की तरफ बढ़ें धीरे 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 धीरे। अगर आप ये करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप बस रेफरेंस इमेज को फॉलो करते जाएँ।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो को भी डार्क कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज आपको समझ में आ जाए कि शेड किस तरह से आएंगे। मैं एक रफ जल्दी जल्दी एक आईब्रो को शेड कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि आईब्रो की पोजिशनिंग क्या होगी, उसके हिसाब से हम आई का शेडिंग कर पाएंगे। तो जनरली आप आईब्रो को सिंपली आप एयरबर्ड से स्मूथ कर दें और थोड़ा सा डिटेल ऐड कर दें, ताकि आपको समझ में आए कि आईब्रो की डिटेल कहाँ पे आ रही है, आईब्रो का पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, उसकी वजह से आपके नीचे आईज के ऊपर कहाँ पे कैसे शेड होने वाले हैं। हम अब जो शाइन है उसके ऊपर अपना आईलैश यूज़ करने वाले, आईलैश डालने वाले हैं, आईलाइट ऊपर वाले आईलाइट्स के ऊपर। हम एक एक करके धीरे धीरे, ये आराम का काम है, आप जितना डिटेल चाहें उतना डिटेल ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसमें जो आईलैशेस होते हैं हमारे, वो ऊपर वाले काफ़ी दिख के बाहर आते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो लड़कियां मेकअप में आईलैशेस भी लगाती हैं, जिसकी वजह से वो आईलैशेस काफ़ी उठ के आते हैं। तो अगर आप कभी भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं जिसमें आईलैशेस बहुत उठ के आ रहे हैं, तो वो आप ध्यान से बनाएं, क्योंकि वो सारे आईलैशेस एक दूसरे से इकट्ठा होते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, वो सब एक रो में चलते हैं, वो एक पैटर्न में चलते हैं। उस पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी है, वरना आपका आईज़ प्रॉपर नहीं आएगा। ऊपर वाला आईलैशेस को ध्यान से आप बनाएं, और नीचे भी कुछ आईलैशेस होते हैं जो आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो आप जितना डिटेल, अगर आप बहुत डिटेल इमेज बना रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बनानी पड़ेगी। जनरली हम छोटे वाला आईलैशेस इतना प्रॉपरली नोटिस नहीं करते जब हम पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं, बट अगर आप सिर्फ आईज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं या फिर आप एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो आपको हर चीज़ें बनानी पड़ेगी। बिगनर्स के लिए ये प्रोसेस बहुत सीधा है, आप बस लेयर के ऊपर लेयर ऐड करते जाएं। यहाँ पे मैंने इरेजर का यूज़ किया है, पेन इरेजर का। ये मैं हाइलाइट्स के लिए यूज़ करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि शाइन की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्शन है, शाइन आ रहा है, वहाँ वहाँ मैं इसे यूज़ करूँगा। जनरली मैं अपने हाइलाइट्स ड्राइंग के बाद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए आसान होता है। ये पेन इरेजर बहुत यूज़फुल है, आप बाद में पतले लाइन छोटे लाइन जैसा आप चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ हाइलाइट्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आप हाइलाइट्स डालें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हाइलाइट्स किधर डालना है, तो आप रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आया कि लाइट कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही। हाइलाइट्स के साथ साथ हाइलाइट्स मर्ज करना भी बहुत ज़रूरी है। हाइलाइट्स जब हो जाता है तो बहुत हार्श रहता है, आप हाइलाइट्स को पेंसिल से या फिर ईयरबड से मर्ज करें। मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अलग से उठ के आता है। हम सारी चीज़ों को अब मर्ज करेंगे, जितने भी चीज़ें हमारे पिक्चर में है, हाइलाइट्स है, शेडोज़ है, या मिड टोन्स है, या फिर जो भी लाइन्स इधर उधर बह रही है, वो सारी चीज़ों को हम मर्ज करेंगे आपस में। ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए जो आपस में इंडिविजुअल स्टैंड आउट कर रहा है, कोई शाइन जो बहुत ज़्यादा आँखों को लग रहा है, या फिर कोई डार्क लाइन जो बहुत ज़्यादा आँखों को लग रही है। हम कोशिश करें कि आई लैशेस से ले करके आईज़, आई बॉल, आई लिड्स, सारी चीज़ें प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मर्ज हो, क्योंकि ये एक फेस का पार्ट है, ये अलग से कोई चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपस में मसल से, टिश्यूज से जुड़ी हुई है, और आप इसको अलग अलग नहीं बना सकते। तो आपको कोशिश करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आईज़ के बाद अब हम नोज़ बना सकते हैं, तो नोज़ को किस तरह से आप कनेक्ट करोगे इसके साथ, तो आपको वो सारी शेडिंग्स के ऊपर भी ध्यान रखना है।
आप बस इस वीडियो को फॉलो करते जाएं स्टेप बाय स्टेप, और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई चीज़ देखेंगे। आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू।